जलती तब है जब लड़की बोले। खबर की लड़की दे मशहूरी भी आपके प्रोडक्ट्स की लड़की करे फिर ज्यादा सेल ज्यादा अल्लाह ताकि उस लड़की को अरब इंसान देखे। अरे तुम्हारे कुरान में तो रब ने सूरह नूर की आयत मेरे पास लिखी हुई है। अल्लाह पाक ने इसके अंदर कुरान करीम में सूरह नूर की आयत नंबर 31 मर्द को अलग हुक्म दिया और उनको अलग हुक्म दिया। मैं आयत नहीं पढ़ता टाइम खत्म। पर मैं महबूब आप बर्दों से आप अपने बर्दों से मुसलमान से कह दें कि उनकी निगाह गैर बाहर औरत पर न पड़े। और फरमाया और तुझसे भी कह दें वक्त को बिना दिया हुदूद न मिला सारे दिमाग जो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं औरतें उनसे भी हुक्म दे दी कि तुम्हारी नजर ना महरम मर्द पर न पड़े। अब हदीस बात खत्म। इस्लाम में पर्दा की अहमियत हजूर तशरीफ फरमा है हजूर के साथ नबी पाक की घर वालियां बैठी हजूर मौजूद घर वालियां साथ हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मखदूम नाबीना से आबी अंदर आने लगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से फरमाया पर्दा करो। क्या फरमाया पर्दा कर लो। हमारी माओ ने हुजूर से अर्ज की हुजूर वो तो नाबीना है वो कौन है उन्हें तो नजर ही कुछ नहीं आता। मेरे आकर ने फरमाया वो नाबीना है तुम तो नहीं हो। ये है अहमियत और हजरत सफिया की अजमत और सबर की मिसाल जब गज़वा-ए-उहद में उन्हें मालूम हुआ।